पश्चिम बंगाल की सियासत में कदम जमाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, हर बार दीदी के सामने बीजेपी का दम निकला है। लेकिन अब की बार विपक्षी पार्टी ने 108 नगर पालिकाओं पर हुए चुनावों में उम्मीद लगाई थी, मगर इस बार भी कमल मुरझाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक 108 में से करीब 40 सीटें टीएमसी जीत चुकी है। इसी के साथ ही टीएमसी के कदावर नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने मालदा के इंग्लिश बाजार सीट से जीत का परचम लहराया, जबकि विरोधी पार्टियां अभी तक एक भी सीट नहीं जीत पाई हैं। यहां तक कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर बंगाल में भी दीदी की दहाड़ ने बीजेपी को परास्त कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ कंठी नगर निगम में भी टीएमसी का दबदबा नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी का अभी खाता भी नहीं खुल सका है। इसी हार से बीजेपी बौखला उठी है। उसने सभी 108 नगर पालिकाओं में फिर से मतदान की मांग की है। इससे पहले भी वो राज्य चुनाव आयोग से संपर्क कर दिनहाटा समेत सभी 108 नगर पालिकाओं में चुनाव रद्द करने और पुनः मतदान की मांग कर चुकी है। पार्टी का आरोप था कि राज्य में निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए हैं। यहां तक कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी टीएमसी को घेरा था। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ दास को तलब कर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस घेराबंदी के बावजूद आज मतगणना कराई गई और नतीजों ने टीएमसी को गदगद कर दिया, जबकि एक बार फिर बीजेपी को निराश कर